हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हुए एक बहुत ही मस्त जगह जो कि है मैक्लोडगंज और धर्मशाला, और अभी हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं मैक्लोडगंज में। यहाँ पे होटल का नाम हिमालयन करके है और वो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बोल रही हूँ क्योंकि दिमाग में भी सिर्फ खाना चल रहा है क्योंकि भूख लग रही है, क्योंकि एक बज गया कुछ खाया नहीं है। तो अभी ये बहुत अच्छी सीनरी है और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने है, तो चलिए चलते हैं। तो मैक्लोडगंज के डे वन में हमारा पहला ब्रंच है पीस कैफ़े में, जो कि हमें हमारे होटल के बाहर रास्ते में ही मिल गया था। ये एक छोटा सा और बहुत ही कंफर्टेबल टाइप का कैफ़े दिख रहा था, जहाँ पे एक पूरा बोर्ड था जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड था जितनी भी मैक्लोडगंज में एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे थोड़ा मिलता जुलता था, जैसे सेल्फ हीलिंग प्रोसेसेस, थिएटर वर्कशॉप और क्रिस्टल हीलिंग, ट्रैवल, टैटू, आर्टिस्ट्री, बहुत सारी योगा और बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिनसे आप हील होगे, आपकी सोल हील होगी, आप बहुत खुश होगे। यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग और यहाँ के खाने उसी की तरह बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और ये बहुत ही पोर्टेबल छोटू सा एक कैफ़े था, और यहाँ पर आपको बुक शेल्फ भी दिखेगी, जो कि मोस्टली मैंने देखा है कि आगे जितने भी मैक्लोडगंज के हमने कैफ़े देखे थे हर जगह में बुक शेल्फ ज़रूर थी। तो चलिए अब बारी है पीस कैफ़े के मेन्यू को देखने की। क्योंकि वैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा था तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ गर्मा गर्म पिया जाए, इसलिए हम लोगों ने जिंजर लेमन टी ऑर्डर करी। सुबह के ब्रंच में हमने जिंजर लेमन टी तो ले ली है, बट अब मन था कुछ खाने का, और खाने में हमने सोचा कि अब मैक्लोडगंज आए हैं तो मोमो खाते हैं। तो हमने ऑर्डर करा वेज चीज़ रिकोस मोमो, जो कि है एक सूपी मोमो। घर के ब्रंच में हमेशा चाय और पराठे होते थे, बट यहाँ मैक्लोडगंज के ब्रंच में हम जिंजर हनी टी ले रहे हैं और उसके साथ ले रहे हैं मोमो। तो ये मैक्लोडगंज का हमारा ब्रंच है। दैट वी आर ट्राइंग हियर इज जिंजर लेमन टी, जो यहाँ की पीस कैफ़े की शुरुआत हमने करी है यहाँ से। मुझे लगा था कि ये जिंजर लेमन टी है तो इसके अंदर में जिंजर लेमन का टेस्ट होगा, बट इसके अंदर इन्होंने जिंजर के बहुत ही ज़्यादा चंक्स भी डाल दिए थे, तो ये एकदम ऑथेंटिक ऑर्गेनिक लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। ये हमारी नेक्स्ट डिश है जिसका नाम है वेज रिकोस। ये मोमोन सूप काइंड ऑफ थिंग है और ये एक्चुअली में मोमोन सूप है। छोटे छोटे मोमोज नहीं दिए हैं, प्रॉपर बड़े अच्छे जो दिल्ली में मिलते हैं उतने ही साइज के अप्रॉक्सीमेटली मोमो में दिए हुए हैं और अच्छे लग रहे हैं। और मेरे मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि मैंने एक बज गया और कुछ नहीं खाया है। तो मैं फटाफट बताऊंगी कि ये थोड़ी चिली चटनी है और अब हम ट्राई करेंगे फटाफट वेज रिकोस मोमोज इन सूप। तो ये यहाँ के ये वेज रिको मोमो छोटू छोटू, एंड सच्ची बताऊँ बहुत भूख लग रही है। हम लोग सुबह से सिर्फ बेहोश पड़े हुए थे क्योंकि हमारी बस बहुत लेट थी, बस जल्दी थी बट हम लेट थे क्योंकि हम होटल ढूँढ रहे थे। तो अब हम ट्राई करेंगे, भगवान करे अच्छा हो। आज के दिन का पहला कौरा खाने का, अन्न का पहला दाना मोमो। बहुत ही ज़्यादा उम्दा नहीं है, कैरेट है, कैप्सिकम है, वेज मोमो वाला जो चीज़ होती है वो है। फन फैक्ट, इसमें चीज़ निकला, इसमें अंदर चीज़ भी है, बताओ। मोमो के अंदर चीज़ भी है, वो भी वेज मोमो के अंदर और वो भी सूप ही वाले मोमो के अंदर। ओके, मगर इसका जो सूप है दैट इज टैंगी, दैट इज गुड। भाई साहब पेट में इतना अच्छा लग रहा है ना, कुछ खाया है। तो अभी हम इसको कंटिन्यूटी में खाएंगे, एनर्जी लेंगे और आगे की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो खाना पीना तो हो गया और अब एनर्जी इतनी गेन कर ली है कि हम आगे की जितनी भी मैक्लोडगंज की मार्केट है इस एरिया में अब हम उसको प्रॉपरली देख रहे हैं। तो इस ट्रिप की शुरुआत में हमने कुछ कुछ दिन में धीरे धीरे बहुत सारे अपने पैसे खर्च कर दिए थे यहाँ की बहुत ही सुंदर, ब्यूटिफुल, कम्फर्टेबल एक्सेसरीज़ और यहाँ के बुलिन कपड़ों को देखकर, और इस चक्कर में हमारा बजट थोड़ा ढीला हो गया था। तो आप अगर यहाँ पे आए तो अपने बजट को ज़रूर देखें और बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट करके एंड में शॉपिंग करें।
क्यूट गोलू मोलू डॉगी स्पॉटेड वन। एक तो डॉगीज वैसे ही क्यूट होते हैं और ऊपर से पहाड़ी डॉगीज तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। नज़र को दिखी और बटुए पर दुर्घटना घटी। क्या ही कर सकते हैं जब इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको दिखे, और इसको कहते हैं शॉपिंग। हाँ ये तो क्यूट है। बलू कार्टून होता था एक। हाँ नहीं ज़्यादा मत बुलाओ। छोटी छोटी गलियों से निकलकर अब हम मेन मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं, और आसपास में हम देखेंगे बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग, बहुत सारे एक्सेसरीज की शॉपिंग, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और यहाँ के लोगों का पहनावा जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और सुंदर है और आँखों को एकदम से भाता है। और यहाँ की रंग बिरंगी अगल बगल की चीज़ें देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ। जैसे आप किसी बच्चे को मेले में छोड़ते हो, वहाँ की रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चकाचौंध देख के जब वो बावला हो जाता है, ऐसे ही मैं इतनी सारी सुंदर सुंदर वैरायटी ऑफ कलरफुल एक्सेसरीज को देख के बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फोकस हो चुकी हूँ। और मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे को खरीद लूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मुश्किल से 2-3% ही चीज़ें ऐसी थी जो मैंने देख रखी थी, वरना बाकी सब तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और यहाँ पे जैसे बुद्धिज़्म यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ दिख रही थी। चाहे आप वो नेकलेस के बेस में देख लो, ब्रेसलेट के बेस में देख लो, बुद्धिस्ट चैंट के आपको बैनर्स दिख जाएंगे। और बातों बातों में पता चला कि भैया ये नेकलेसेस को खुद कस्टमाइज करते हैं अपने हाथों से, और इनके धागों को खुद बनाते हैं। अच्छा, बना के देते भैया? धागा खुद बनाना पड़ता है। आगे चल के हमने बहुत सारे विंड चाइम्स की आवाज़ सुनी और हम धीरे धीरे उसकी तरफ खींचे चले गए। And obviously, me going bonkers on the accessories, especially the turquoise one. Me trying to find a beautiful turquoise ring for me, but वो मुझे obviously इतनी जल्दी मिलेगी नहीं, तो मैं थोड़ी बहुत तो disheartened हो रही थी। But ना मिलने का दुख तो क्या ही बताएं, बट मुझे क्या पता था कि आगे मुझे जाकर बहुत ही सुंदर टर्कोइश रिंग मिल जाएगी, जिसको मैं एक्चुअली मैं खरीदूंगी और फिर मैं थैंक गॉड करूंगी कि अच्छा हुआ कि मैंने इससे पहले जितनी भी देखी वो मैंने नहीं खरीदी। कभी कभी भी कोई चीज़ें ऑन द स्पॉट नहीं मिलती हैं, तो वो इसलिए नहीं मिलती हैं कि आगे आपको कुछ अच्छा ज़रूर मिलने वाला है। हाय, कितनी डीप बातें करने लगी हूँ मैं। हम आंटी से खूब सारी बातें कर रहे थे, और बातों बातों में पता चला कि आंटी की पोती जो स्विट्ज़रलैंड में है, उनसे वो वीडियो कॉल पे बहुत सारी बातें कर रही हैं, और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी कि इससे ये लोग इतने दूर होके भी इतने पास और कनेक्टेड हैं। हेलो, देखा ही नहीं। एंड आई फील सो हैप्पी कि वो आंटी इतनी कंफर्टेबल थी हमारे साथ कि वो अपनी वीडियो कॉल, अपनी पर्सनल वीडियो कॉल हम लोगों के साथ शेयर कर रही थी, हमें दिखा रही थी, और ट्राई कर रही थी कि उनकी पोती भी हमसे बात करे, बट वो अपना ही खेल रही थी और हमको बिल्कुल अवॉइड करके बैठी हुई थी। बट स्टिल इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस मोमेंट फॉर अस। गप्पे मारने के बाद और थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हमने सोचा कि चलो कहीं नई जगह चलते हैं और मोमो ट्राई करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे फोर सीजन कैफ़े गए, जो कि इन भैया की शॉप के एकदम सामने था। तो चलिए लेट्स गो। सो वी आर राइट नाउ इन फोर सीजन्स कैफ़े। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरिया मिलेगा मेमो नोट्स का, और हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने अभी तक जितने भी रेस्टोरेंट्स में गई हूँ, जितने भी कैफ़ेज़ में गई हूँ, वहाँ पर आपको एक अलग सा सेक्शन दिखेगा बुक्स का। यहाँ पे आप आओ, अपनी बुक रीड करो, यहाँ से बोरो करो, यहाँ पे रीड करो, इन्जॉय करो खाना। और अब हम चलिए चालू करते हैं यहाँ का मेन्यू देखना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बट ऑब्वियसली हमारा फोकस था कि हम मोमो खाएंगे, तो हम मोमो ही खाएंगे। बाकी मैं मेन्यू आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि वो पिज़्ज़ा भी खा रहे थे, बट मतलब 2-3 बज रहा था और मन नहीं कर रहा था कि हम कोई पिज़्ज़ा खाएँ। हमारा मन था कि हम मैक्लोडगंज आए हैं तो हम मोमो खाएँ। तो हमने चिकन मोमो ट्राई किया, 160-180 रुपीज़ का था, और हमने फुल प्लेट ले लिया। मोमो के साथ इन लोगों ने चटनी और विनेगर
और थोड़ा सा सोया सॉस भी दिया था। तो फाइनली इतने ज़्यादा टाइम के वेट करने के बाद, मतलब 15-20 मिनट लग गया वेट करने में, उसके बाद हमें मोमोज़ मिले हैं, हमारे पहले मैकलोडगंज के मोमोज़। एंड आई होप कि वो अच्छे हों, आई होप कि वो अच्छे हों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब रियली वेरी हंग्री। ये कितने जूसी लग रहे हैं, अभी टपका इसका जूस और मैं खा के देखती हूँ चिकन मोमोज है कैसे हैं। पहला बाइट, जूसी है बट कड़वा है। नॉट रिकमेंडेड, क्यों इतना पचका हो रहा है? मतलब अगर हम मोमोज खा रहे हैं, पहली बार खा रहे हैं, इतना पचका क्यों हो रहा है? मतलब भूख लग रही है तो ऐसा होगा हमारे साथ। यही एमी है, मतलब चटनी कड़ गई है, जूसी है बट इट्स नॉट गुड। बाय बाय। अब मिलिए आप क्यूटी पाई नंबर 3 से। दिस क्यूटू गोलू मोलू डॉगी इज सच अ क्यूटी पाई। ये छोटो सा क्लाउड टाइप का लग रहा है, था ग्रम्पी और स्लीपी सा है, बट ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और मुझे ऐसा लग रहा है हमें बहुत सारे ऐसे ही क्यूट डॉग्स दिखेंगे। शाम को वापस निकलने के लिए हम थोड़ी एनर्जी गेन करने वापस अपने होटल जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको शाम को मिलते हैं, बाय बाय। जितनी यहाँ दिन में शांति और पीसफुलनेस देखने लायक थी, उतनी ही रात की एकदम चकाचौंध देखने लायक है। यहाँ पे एकदम रात को उल्टा ही हो गया, सुबह का जो नज़ारा था रात को एकदम अलग हो गया। जगमग जगमग रोशनी, रात को निकले हुए वो सारे टूरिस्ट जो कि यहाँ की नाइट लाइफ इन्जॉय करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ गए। मतलब यहाँ पे आप मोनेस्ट्री के साथ, यहाँ पे आप नाइट लाइफ भी इन्जॉय कर सकते हो, यहाँ पे आप टेंपल्स देखने के साथ, यहाँ की शॉपिंग करने के साथ आप रात में भी बहुत सारी पार्टी कर सकते हो। तो मैकलोडगंज आपको वादियाँ और पार्टियाँ दोनों का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन देती है। पहाड़ी इलाके में आए और मैगी ना खाएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मोमो, चाय, मैगी, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी माउंटेन एरिया में जाके ट्राई करने का, मतलब यहाँ की स्पेशलिटी होती है, इनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इन्हीं सब के बीच हमें दिखी मैगी की एक छोटी सी शॉप जहाँ से बहुत ही ज़ोरदार खुशबू आ रही थी। तो हमने सोचा कि चलिए चलें और वहाँ पर मैगी खाएं। तो हमने ली वेजिटेबल मैगी सिंगल। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मैगी, वो भी चटपटी सी वेजिटेबल मैगी, ये थी 60 रुपीज़ की। इसमें वेजिटेबल के नाम पे कैप्सिकम और अनियंस थे, बट ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी और इसने दिल को खुश कर दिया था। शाम के मैकलोडगंज की मार्केट घूमते घूमते हम एक शॉप पे पहुँचे थे जिसका नाम था डिवाइन बुद्धा हैंडीक्राफ्ट। ये होलसेल की शॉप थी, यहाँ पे नेपाली और तिब्बतियन हैंडीक्राफ्ट दोनों मिल रहा था और यहाँ पे होम डेकोर का भी बहुत सारा आइटम था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देख लें। और यहाँ पे वुलन कपड़े भी मिल रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है मैकलोडगंज में, या किसी भी पहाड़ी इलाके में आप देखोगे तो वहाँ के वुलन क्लोथ्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ का एक मिनी टूर करवाती हूँ।
यहाँ पे विंडो शॉपिंग करने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अपने होटल के करीब जाएंगे। वहाँ पर रास्ते में हमने आते हुए एक ढाबा देखा था और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो मैं आपको आगे स्टोरी बताऊँगी कि सीन क्या है। तो चलिए अभी हम उस ढाबे पे चलते हैं और डिनर करते हैं। फाइनली डिनर का टाइम हो गया है और हम आए हुए हैं भीमसेन पंजाबी ढाबा, क्योंकि हम बहुत भूखे हो गए हैं। रात के 9 बज गए हैं, हम बहुत ज़्यादा भूखे हो गए हैं। सुबह से सिर्फ 3 से 4 चीज़ें खाई हैं, बैंड बज गई है। तो फाइनली क्योंकि दिल के अंदर तो रोटी सब्जी है, तो मतलब चिकन खाने और रोटी खाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। फाइनली आ गए, प्याज दे दीजिए। तो फाइनली खाना आ गया है एंड बस जल्दी 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 खाना खाएंगे क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। बहुत बैंड बज गई बहुत ज़्यादा और चीज़ें बहुत सारी थी, मतलब मैक्सिकन था यहाँ पे, तिब्बतन ऑब्वियसली तिब्बतन था यहाँ पे, बट क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे थे। और जब भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना तो आपको इन द एंड जाके इंडियन खाना याद आता है कि भाई पहले ये खा लेते, बाकी सब बाद में खाया जाएगा। तो अब हम टूट पड़ेंगे खाने पे और मैं सबसे पहले खाना स्टार्ट करती हूँ। ये रहा कढ़ाई चिकन, आई होप अच्छा हो क्योंकि बहुत बैंड बजी है, बहुत भूख लग रही है, खाना ही नहीं खाया है, सुबह से बहुत कम खाना खाया है, मतलब बता नहीं सकती क्या बुरी हालत है। ये जो बना रही वीडियो भी बस इसलिए बना रही हूँ कि नहीं बस यार बनाना तो पड़ेगा क्योंकि फिर मैं रिग्रेट करूँगी अगर मैंने नहीं बनाया तो। और ये हमने ऑर्डर करा है गार्लिक नान और बटर नान, जो हमने और थोड़ी ऑर्डर कर दी। ये प्याज, ये हरी मिर्ची वगैरह, ओहो गिरनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी भी ग्रेवी ओहो कहाँ से निकालूँ बेचारे को, बहुत भूखे, भयंकर भूखे। शिमला मिर्च कैप्सिकम प्याज की ज़ोरदार खुशबू आ रही है, मतलब ज़ोरदार खुशबू। बटर नान, हाँ यह हमारी पहली बाइट, हाय जन्नत, हाय हाय। चलो हम खाते हैं, बाय। तो चिकन तो बहुत तगड़ा है, मसालेदार, लज्जतदार, मगर प्याज के बिना हर चीज़ अधूरी है। और जब प्याज हो साथ तो हरी मिर्च कैसे दूर रहे। इसका बेस्ट चीज़ क्या होती है, हरी मिर्च की इतनी ठंडो रखी है, एटलीस्ट विटामिन सी नाक को भी अच्छा रखेगा और बॉडी को भी अच्छा रखेगा, तो ये तो बेस्ट है। नींबू और नमक का कॉम्बिनेशन होता है सबसे ज़्यादा बेस्ट। ये थोड़ी और मैं प्याज डाल देती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा नींबू डाल दिया है, और थोड़ा नमक, तो इससे खाने का और मज़ा आता है। तो खाना मज़ेदार, रात समा मस्त समा। इसके बाद हम जाएंगे रेस्ट करेंगे और कल का नया दिन चालू होने वाला है और कल और थोड़े एडवेंचर्स होने वाले हैं। तो चलिए बाय बाय। बाहर बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी, हम कुड़क रहे थे, हमारा खाना यहाँ पर है, बट फिर हम अंदर आ गए यहाँ के सिटिंग एरिया में और हॉट चॉकलेट टीवी है, बहुत ठंड है भाई। जो भी इंजॉय तो करा थोड़ा सा कि बाहर खाएंगे आराम से बैठ के व्यू लेंगे, मगर जो अंदर से कप कप ही मच रही थी ना रोटी का हर कोरा में, हो अंदर बैठ के अब हम हॉट चॉकलेट और अपने खाने का आधा वेट कर रहे हैं और अंदर बैठे हुए आराम से नीचे ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बॉडी की ना बर्फ़ पिघल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बॉर्नविटा ऐसे डाल रखा है इसके अंदर, बट ठीक है कुछ नहीं कर सकते, सही है। ये क्लोज्ड एरिया जो बहुत कोजी और वार्म है,
और ये ओपन एरिया। सुबह के टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छे नज़ारे दिखेंगे, रात को लाइटें और घर दिख रहे हैं। और ये हमें एक शॉप पता चली JM हैंडीक्राफ्ट करके, और यहाँ पे खूब सारी पश्मीना शॉल खरीदी है हमने। अंकल आपकी वीडियो बन रही है अब तो। अब अंकल हमें दिखा रहे हैं 16,000 की शॉल, है ना अंकल? ये है 16,000 की शॉल। अंकल ये 16,000 की शॉल क्यों है पहले मुझे ये बताइए। ये पेपर माशी वर्क। क्या है? पेपर माशी वर्क। अच्छा, तो ये बहुत गर्म है। बहुत गर्म भी है और बहुत, इसको 6 महीना लगता बनाने में। अरे बाबा, सोलह हजार की शॉल आप देखो लोगों। ये यहाँ पे शॉप अंकल की JM हैंडीक्राफ्ट ना। आइए यहाँ पे मैकलोडगंज के रास्ते में और 16,000 की शॉल पक्का देखिए। बाकी 650, 700, 800, 1000, 1200 की शॉल खरीद के जाइए, और आपको मन करे तो लेके भी जाइए। हमने तो यहाँ से बहुत सारी ली, देखिए। थैंक यू अंकल। दाएं मुड़ो ना भाई, जैसा करो रास्ता फॉलो। फिर रास्ते से जब फॉलो आएगा तो फिर आपको जब मोड़ आएगा ना ऐसा ऊपर, फिर उधर से धर्मशाला में आपका टी गार्डन हो जाएगा, वॉर मेमोरियल हो जाएगा, स्टेडियम, नॉर्मलिंग इंस्टीट्यूट, जूता मास्टर। अगर इसे अपोजिट